हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? नैन्सी से हाय एवरीवन। तो अभी मैं हो चुकी हूँ यहाँ पर रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बात करूंगी आगे। विवान, हाँ चलो बाहर चलो। तो अभी रेडी हो चुके हैं, चलते हैं मंदिर। मैं भी, मम्मी भी, दीदी भी, चलो आराम से चलो। अरे ये बैठी पीहू, पीहू क्या हुआ आज? देख रही छोटी मम्मा कैसी लग रही? हाँ क्या फूल? और इधर देखिए फूल, ये लेके आए पूजा के लिए। फूल पूजा में चाहिएंगे हमें। तो आपको दिखाती हूँ, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी रेड, क्योंकि पूजा में ऐसे कलर ही अच्छे लगते हैं। और भी हेयर मेरे गिरे तो मैंने बांध लिए उनको। नैन्सी भी चलेगी क्या? नैन्सी भी चलेगी। हमारी पूजा का कुछ सामान खत्म हो रहा है, तो अभी हम रास्ते से ही ले लेंगे। तो देखिए हो चुके हैं तैयार हम। लाइट जल गई, मम्मी मना कर रहा है इस लाइट बंद कर करो बेटा, जो गए लाइट जला के रखो। हमें जोर नहीं पड़ती, हम दिन में सुबह मॉर्निंग। हम अंधे, हमें दिखता है। एक अंधे इंसान से मिलिए। हाँ सब आंखों के अंधे हो मैं। चल बेटा, तो चलिए अब मैं चलती हूँ वहाँ पर। वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं आकर ही आप लोगों से मिलती हूँ। और देखो राम तैयो, राम तैयो, जैसे जाइयो ऐसे आइयो। ये बात है भाई, आज तो चमक दमक लगी है, चमक दमक लगी आज तो भाई। तो मैं मंदिर से भी हम लोग आ चुके थे, और उसके बाद देखो पीहू ने देखो बोलते के साथ एकदम कैसे मुड़ी है। तो मंदिर से भी आ चुके थे, उसके बाद मैंने लोग नहीं बनाया और चेंज कर लिया है, और बाकी अपना सारा काम भी कर लिया है और जाने की तैयारी हो रही है। इधर मैंने अपने इयररिंग्स भी निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे दूसरे डालने हैं। और देखिए मैं दिखाती हूँ पीहू की चल रही है यहाँ पर शैतानी, लुढ़क पुढ़क हो गए। ये है राखी जो कि पीहू बजा रही है ना, खालसा तुम जो इसकी ये आवाज कर रही है। चुप, वो ऐसी ही धमकी मानती, राधे 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 राधे, रसगुल्ले रसगुल्ला बस नहीं है, राधे 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 राधे, मेरे बच्चा तो राधे राधे कर दिए बेटे, राधे राधे राधे। मैं बैक कैमरा करती हूँ तब अच्छे से दिखाई देगा। और इधर छोटी भी आ चुकी है, मैंने छोटी को बुला लिया है क्योंकि हम जा रहे हैं आज, हम छोटी से मिलने से। छोटी मामा भी जा रहे हैं भाई के लिए, और छोटी के मामा भी जा रहे हैं, तो मामा से मामा के लिए गए, मामी के लिए। सही बात है, मेरे लिए तो छोटी रोज आती है, मामा के लिए आई है आज। आज जो है ना विदा करने आई। मैं तो पीहू के झोटे चल रहे हैं, लो झूला झूल रही बैठी बैठी। ए ए अय्या पीहू, ए ए अय्या, ए ए अय्या, बैक कर पीहू के ए ए ए ए ए ए ए कुछ नहीं पता बच्चे का किस खेल खेल चल रहे हैं। ओ बेटे, पीहू पीहू ए पीहू ए ए अय्या। और देखिए यहाँ पर भैया भी आ चुके हैं,
देखने के थोड़ा करता होगा भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मामी जी कर रही हैं घर पे जाने की तैयारी अपने, और मामा जी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं ड्यूटी पर। तो देखिए मामी जी यहाँ पर हो रही हैं रेडी। हेलो दोस्तों, तो अभी रेडी हो चुकी हूँ। गर्मी में हालत इतनी खराब है, मैंने बालों को ऊपर टक कर लिया है और अभी हो रहे हैं हम रेडी। मैंने पहना है गर्मी की वजह से सूट, और लाइट ने फिर से पंगा कर दिया है। इतना प्यारा लग रहा है, सावन है और ग्रीन मेरा सूट है। तो अभी जल्दी से हो जाते हैं रेडी। और यहाँ पर देखिए विवान हो चुका है रेडी। हाय बोलो विवान, देखो हमारा विमान कैसा लग रहा है। और यहाँ पर है नैन्सी और बुलबुल, रक्षाबंधन है इसलिए आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब नैन्सी बांधेगी विमान को राखी, क्योंकि रक्षाबंधन है। तो मामी जी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी रक्षाबंधन पर, वो अपने घर जा रही हैं। तो यहाँ पर अब रक्षाबंधन सेलिब्रेट होगा। पीहू और नैन्सी विमान को राखी बांधेगी। ये देखिए विमान को लग चुका है नीम का तेल, मुझे भी छोटी को भी लगा दो, नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को भी। और अभी मामा जी हो चुके हैं रेडी, क्योंकि मामा जी और मामी जी दोनों साथ ही निकलेंगे। ये देखिए मामा जी ने किए मामी जी को न्यू रबर बैंड गिफ्ट। देखिए कैसी लग रही है, अगर आपको अच्छी लगे। पर मैंने बालों को ऊपर बांधा है ना, तो इसको नीचे लटका लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत है, बाल खुले नहीं रखे जाएंगे मुझसे भी। हाँ यही है, गर्मी काफी होती है तो हेयर खुले नहीं रख पाते हम लोग। ये देखिए मामा जी भी हो चुके हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए, और हम नहा रहे दोनों पसीने में, तरम तर हो रहे है ना। और यहाँ पर देखिए अब चल रही है राखी की तैयारी। नैन्सी विवान को राखी बांधेगी। ये देखिए ये वाली इसमें भर के सिंदूर लगाओ, यहाँ पे लगाओ टीका, और उसके बाद फिर थम से गोल टीका करो गोल। ये देखिए राखी विमान का टीका कितना प्यारा लग रहा है। ये भैया का हाथ में बांध दो। विमान दीदी को गिफ्ट दोगे, पैसे दोगे, क्या दोगे? यही कर रहे मामी जी। सुनो ऐसे ऐसे लाओ ऐसे हाथ लगा, हाथ मेरा हाथ मार लगा। ए ऐसे मुझे देख खाते कहाँ लग गए। एक आठ गोल मारो, तुम मार दो मम्मी, मार दी तो ले मिठाई खा दो, थोड़ी खाइए पूरी नहीं। देखना देखो अब यहाँ पे नैन्सी खिला रही है विमान को मिठाई, मुंह में लगाओ ऐसे, मुंह बंद करो, बस 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 कर ले कर ले बस। अब जो ना ए भगवान, अब बांधेगी विमान को पीहू राखी। सुन इधर इधर खड़े हो, ये देखिए अब यहाँ पर बांधेगी पीहू विमान को राखी। मामी जी यार हट तो जाओ, फेस नहीं आ रहा, ना पीहू का आ रहा है ना विमान का आ रहा है। ये देखिए पीहू कैसे टीका लगा रही है, छोटे से बाबू है पीहू। हाँ लड्डू देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों बहन भाई, छोटे छोटे से। अंसी हटो जरा, वीडियो बन रही है। रुक जा, ओ लगा रहा है।
बेटा पीयू को भी खिला देना दोनों को, ठीक है ना? नैन्सी को खिलाओ, पीयू को भी खिला देना। ये देखिए देखो विवान खा गया पूरी मिठाई। अबे ना दोनों को खिलाओ, दोनों बहनों को खिलाओ, दोनों को खिला देना, नैन्सी को भी। देखो अब विवान खिलाएगा यहाँ पे बुलबुल को मिठाई, अब नैन्सी को खिला दो, अब पीहू को। विवान मैं भी हूँ, अदितु को खिलाओ। अंशी भी है, अंशी को खिलाएंगे। देखो ये देखे, देखो मिठाई खिला रहा है विवान। मामी लो हमारी वीडियो बनाना। अचारी खा ले, अचारी मैं भी तो हूँ। और बाय खालो, पूरी खा लो, मेरा पूरी खा लो। बारिश यहाँ पर देखिए, अब मामी जी की हो गई चलने की तैयारी। ये देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे बाय कर रही है मामी जी और अब हो गई है चलने की तैयारी बिल्कुल। बाय, ऐसी बात नहीं है, जितना आप डांटते हो ना सब आपसे उतने प्यार करते हैं। बिपिन मामा जी समझ गए। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे घर से, तो विवान भी आगे बैठा है भैया के पास और विपिन भी हैं। तो विवान को ये लग रहा है कि हाँ पापा जी हमारे साथ जा रहे हैं, पर इसको ये नहीं पता कि आगे जाके हम मतलब वो दूसरे रास्ते जाएंगे, हम दूसरे रास्ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर विवान के पापा चले गए थे, तो उसके बाद का ये है विवान का रिएक्शन। विवान बिल्कुल एकदम गुमसुम है, थोड़ी देर में ये रोने वाला भी है। तो मतलब ये था कि वो दिल्ली के लिए निकल चुके थे और मैं मायके की तरफ आ गई थी, वो आधे रास्ते तक हमारे साथ आए थे। तो विवान को ये नहीं पता कि पापा जी जा रहे हैं, मतलब इसे ये था कि हमारे साथ ही जा रहे हैं। तो बाद में विवान काफ़ी परेशान हुआ है, बहुत देर में जाकर ये थोड़ा नॉर्मल हुआ था और अभी आप आगे देखेंगे भी। मैं इसको यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये बिल्कुल चुप है और अभी थोड़ी देर में ये रोने भी लगेगा खुद से। फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से इसको चुप किया है और इसका फिर मूड चेंज करा है, तब जाकर ये खुश हुआ था, होता है बच्चे को। फिर यहाँ पर भैया भी विवान से बात करने लगे थे, मतलब इसे हंसी वाली बातें करने लगे थे इससे। तो यहाँ पर मैं भैया को बता रही हूँ, भैया करे क्या हो गया विवान क्यों ऐसे बैठा है। तो मैं यहाँ पर भैया को बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे ये इसलिए परेशान हो रहा है। ये देखे बस अभी को ये रोने लग गया बिल्कुल। तो बस अब मैं करूँगी इस वीडियो का यहीं पर एंड, और मैं घर पर पहुँच कर भी कोई वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने इस वीडियो का यहीं पर एंड कर दिया था। और आप देखते रहिए।